तो फाइनली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हॉस्टल वार्डन का, जिसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएं। तो आज की टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। इंटरनेट और सॉफ्टवेयर से एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएं, ठीक है? तो यहाँ से क्लास करेंगे, सुबह 10 बजे की क्लासेस रहती है, रिकॉर्डिंग है, और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे, और यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। क्या क्या पढ़ेंगे पहले देख लीजिएगा, सॉफ्टवेयर, ठीक? सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और सॉफ्टवेयर के टाइप्स कितने होते हैं, और ये उपयोग कैसे किया जाता है, सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या होता है। यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 अंक अवश्य पूछा जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे सीजी व्यापम का या सीजीपीएससी जैसे शिक्षक भर्ती, हॉस्टल वार्डन, कंप्यूटर का एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो मेन टॉपिक आपका रहेगा हॉस्टल वार्डन, जिसमें सॉफ्टवेयर की क्लास रहेगी और इंटरनेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, पूरा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना, ताकि जब भी मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हॉस्टल वार्डन की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। ये सुबह 10 बजे की क्लासेस है। पहली बार आए तो क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य करना, और जो पहली बार आए तो शेयर वीडियो को कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक? तो सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो सॉफ्टवेयर हम देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले देख लेते हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? जो सॉफ्टवेयर के होते हैं प्रकार, जो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं तो याद रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, पूरा जानकारी आपको मैं बताऊंगा, यहां से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर के जो प्रकार है, 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये आपको कहीं बुक में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, पूरा लिखित है मेरा, ये मैं लिख कर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बुक से भी है, गूगल से भी सर्च करके मैंने ये लिखित नोट्स आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक? चलिए हम देखते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर देखने से पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनको यहाँ पर एक बार नोट कीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, यहाँ से हम देखेंगे ऑपरेटिंग, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस के रूप में करता है, जो 5 प्रकार के लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो याद रखना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर, इसको नोट कीजिएगा, 5 प्रकार के होते हैं, लिखित रूप से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें आपका लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एप्पल, एप्पल आप सभी को मालूम होगा, जो एप्पल खाने का एप्पल नहीं है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बारे में बात करूं, ये आपके एग्जाम में अभी पूछा गया था 2022 के क्वेश्चन में, ठीक है? अब ये 2024 में भी एग्जाम में पूछा गया, 2024 के भी जो एग्जाम हुआ उसमें, 2024 में पीएससी के एग्जाम में, पीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें अभी पूछा गया है एप्पल, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा है मैक ओएस, इसको याद रखना, मैक ओएस जो है आपका दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है आपको माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपका तीसरा है। इसको पूरा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसको याद रखते चलिएगा, ठीक? मैं चौथा बात करूं, आपका गूगल का एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, लिनक्स क्या है आपका, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है? विंडोज, विंडो क्या है आपका, विंडोज एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्पल का iOS 3 आप सभी को मालूम होगा, ठीक? ये आपके 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताएंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो 5 प्रकार के होते हैं, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस के रूप में इसको प्रदान करता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन सा है, तो ये आपका डॉस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, विंडोज, ये आप याद रखना, विंडोज,
यूनिस्क और मैसिंटॉस, क्या है आपका? मैंटॉस। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। सबसे पहले मैं बात करूं सॉफ्टवेयर के प्रकार की, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को, इनको मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भाग में बांटा गया है सॉफ्टवेयर को। कौन कौन सा? पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका एप्लीकेशन, तीसरा है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और मैं जितना समझाऊंगा आपको, जितना मैं बताऊंगा उसको बस आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। पहले मैं बात करूँ हार्डवेयर की, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हार्डवेयर, ये आपको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये आपका हार्डवेयर है। इसके बाद सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन आ जाएगा जो आपके सॉफ्टवेयर के विशेष कार्य क्या करता है, संपन्न करता है। उसके बाद आपका उपयोगकर्ता काम करेगा, क्या करेगा? उपयोगकर्ता। ठीक, इसको नोट कीजिएगा, डॉस, विंडोज, यूनिक्स और मेंटोस, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण। एग्जाम में यहाँ से आप जटिल क्वेश्चन में पूछ सकता है, कभी कभी इसमें क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर समझ में आया क्या? थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर 1 मिनट ना। एक मिनट, थोड़ा सा ठीक, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा। चलिए, तो आपको यहां तक क्लियर समझ में आया? अब मैं बात करूं यहाँ पर, चलिए ये तो हमने देखा तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर वगैरह। अब यहाँ पर देखेंगे जो सॉफ्टवेयर है उसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपको हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपको हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपको हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप नोट करते चलेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको विंडोज क्या कहा जाएगा? आपका विंडोज। ठीक, नोट करते चलेंगे। दूसरा आपका आ जाएगा यूनिस, क्या आ जाएगा? यूनिस्क। ठीक, तीसरा आपका पॉइंट आ जाएगा लाइनेक्स, लाइनेक्स। ठीक, पांचवा आपका आ जाएगा कौन सा है? मैक ओएस, क्या आ जाएगा? चौथा नंबर में मैक ओएस, मैक ओएस। मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करते चलेंगे, एमएस डॉस। ठीक, नोट करेंगे एमएस डॉस, एमएस डॉस, विंडोज, लिनक्स, लाइनेक्स, उबंटू। याद रखना क्या क्या? उबंटू, उबंटू। ये आपके एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट करते चलेंगे। टॉपिक वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस इतना पढ़ लो, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले विंडोज, यूनिस, लाइनेक्स, मैक ओएस, मैक डॉस, एमएस डॉस और उबंटू। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। ठीक, अब मैं बात करूँ लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, तो अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आप यहाँ पर मैं आपको क्या बताया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार से हैं, ऑपरेटिंग और लैंग्वेज। अगर पूछा जाए ये सभी किस में आ रहे हैं, ये सभी टॉपिक किस में आ रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर पूछ लिया जाए विंडोज क्या है, आप सिस्टम ही सॉफ्टवेयर है ना, क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्योंकि देखिए कभी कभी एग्जाम में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना पूछ कर डायरेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ लिया जाता है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आएंगे, पूरा आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आया? इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक, मैं बात करूँ लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आपका आ जाएगा कंपाइलर।
और कंपाइलर असेंबलर क्या होता है मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपाइलर, याद रखते चलेंगे यहां पर कंपाइलर, कंपाइलर इसको नोट करते चलेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाएगा, कंपाइलर असेंबलर असेंबलर, ठीक, असेंबलर कंपाइलर और असेंबलर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है इंटरप्रेटर, क्या आ जाएगा, इंटरप्रेटर, ठीक, क्लियर। यहां पर हो गया सबसे पहले लैंग्वेज और ट्रांसलेशन है, इसमें आपको कंपाइलर असेंबलर और इंटरप्रेटर, एक बार याद करते चलेंगे, कंपाइलर असेंबलर और इंटरप्रेटर, ठीक। अब मैं बात करूं एप्लीकेशन का, ये शॉर्ट में आपको बताया था एप्लीकेशन, याद रखना ये क्या है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के आएंगे, तो यहां पर नोट करेंगे, एप्लीकेशन में आपका आ जाएगा वर्ल्ड प्रोसेसर, वर्ल्ड प्रोसेसर, ठीक, वर्ल्ड प्रोसेसर। इसके बाद आपका आ जाएगा स्प्रेडशीट, क्या जाएगा, स्प्रेड, ठीक, स्प्रेडशीट। इसके बाद आपका आ जाएगा डाटाबेस, क्या आ जाएगा, डाटा, डाटा बेस। क्लियर, आपको समझ में आ रही कि नहीं कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा अकाउंटिंग, क्या आ जाएगा, अकाउंटिंग, ठीक, अकाउंटिंग आ गया। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, पेज मेकर, क्या आ जाएगा, पेज मेकर, ठीक, पेज मेकर। इसके बाद आपका आ जाएगा कोरल ड्रा, ये लास्ट है आपका कोरल ड्रा, ठीक, यहां तक आपको क्लियर समझ में आया। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कौन कौन सा है आपका, वर्ल्ड प्रोसेसर, इसके बाद कौन कौन सा आ जाएगा, स्प्रेड शीट, कौन सा आ जाएगा, स्प्रेड शीट, डाटाबेस, अकाउंटिंग, पेज मेकर, कोरल ड्रा। मैं जितने टॉपिक आपको बता रहा हूँ पूरा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ समझ में आ रहे कि नहीं कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, नोट करते चलेंगे। यह आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आप सभी को मालूम होगा एंटीवायरस होता क्या है, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, इसको नोट करेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसके बाद है आपका बैकअप प्रोग्राम, बैक, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप कभी कभी हैंग होता है, तो उसको क्या करते हैं, बैकअप करते हैं, या कंप्यूटर कभी कभी हैक हो जाता है, या कंप्यूटर कभी कभी काम करने नहीं लगता, तो क्या करते हैं, एंटीवायरस छोड़ते हैं ना, या एंटीवायरस से उसको क्लियर करते हैं या बैकअप करते हैं, यही आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना। समझ में आ रहा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो मैं आपको बता, बैकअप, बैकअप, ठीक, इसको याद रखना। अब तीसरा है फाइल मैनेजर, अब फाइल में बहुत सारे कुछ फंक्शन वायरस वगैरह आ जाता है, तो इसमें फाइल मैनेजर, क्या आ जाएगा, फाइल मैनेजर, ठीक, फाइल मैनेजर। बस इतना आपको पढ़ना है, बस इतना टॉपिक पढ़ लीजिएगा, बस मैं आपको बताया इतना टॉपिक। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनेट से, इंटरनेट से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। बस इतना आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा, क्या क्या बताया मैं आपको यहाँ पर फिर से देखेंगे। हॉस्टल वार्डन की क्लास है जिसमें सॉफ्टवेयर के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सुबह 10 बजे की क्लास रहती है। सॉफ्टवेयर जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो ये आप देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो देखेंगे मैं आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर जो 3 प्रकार के होते हैं, ये आपका सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। तो जो सॉफ्टवेयर है ये 2 प्रकार से बांटे गए हैं, जिसमें आपका ऑपरेटिंग आ जाएगा, दूसरा आपका लैंग्वेज आएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा है, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस, एमएस डॉस और उबंटू, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद मैं बात करूँ लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, तो लैंग्वेज में आपका कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर होता क्या है, असेंबलर होता क्या है, मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। पहली बार आए तो वीडियो को क्या करोगे, एक बार सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना,
और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम डेली आप सभी के लिए परफॉर्मेंस लेकर आते हैं, है ना। मैं बात करूं यहाँ पर ये एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन में आ जाएगा वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, अकाउंटिंग, पेज मेकर, कोरल ड्रा। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। अब मैं बात करूं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, जिसमें आपका आ जाएगा ये आपका कौन सा है, एंटीवायरस, दूसरा बैकअप, तीसरा फाइल मैनेजर, ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। मैं बात करूंगी सिस्टम सॉफ्टवेयर के, तो आपको बताया था एमएस डॉस, विंडो, यूनिक्स का, मैंटोस, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। एप्लीकेशन सिस्टम नहीं, सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल में किसे शामिल किया गया है या किसे नहीं किया गया है, तो आप बताएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर बस पूछा गया है, ना कि यहाँ पर एप्लीकेशन बोला गया है, ना ऑपरेटिंग बोला गया है। यहाँ पर आप गलती नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताया क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऑपरेटिंग और लैंग्वेज ये सभी अलग है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण भी अलग है, ठीक है। जैसे डॉस, उसमें एमएस डॉस बताया था, यहाँ पर देखेंगे ये वाला एमएस डॉस, ये आपका एमएस डॉस बताया था, यहाँ पर क्या है, सिर्फ डॉस है, ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो गलती करके नहीं जा, इसलिए मैं पूरा अलग अलग अकॉर्डिंग के आपको मैं समझाने का प्रयास करूँ, ठीक। तो ये आपका डॉस, ये विंडोज, ये यूनिक्स और ये मैंटॉस। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट, ठीक। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया था पांच प्रकार से, एप्पल का है, 2024 के एग्जाम में पीएससी में पूछा गया था, मैक ओएस है, माइक्रोसॉफ्ट है, लिनक्स है, विंडो है। अब हम देखेंगे इंटरनेट, है ना। तो लास्ट टॉपिक है आपका इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, तो नेटवर्कों का नेटवर्क आपका इंटरनेट है, ठीक है। क्या है, नेटवर्कों का, नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्क या जाल कह सकते हैं, नेटवर्कों का जाल इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। अब इंटरनेट क्या होता है, नेट क्या होता है, तो आप सभी को मालूम है। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो बिना नेट के आप नहीं देख सकते, डाटा तो रहेगा ना। मैं एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर चाहे व्हाट्सअप चलाओ, गूगल चलाओ, कुछ भी चलाओ, डाटा के बिना चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ये आपका इंटरनेट है, ठीक। नेटवर्क मतलब नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है, इंटरनेट का जाल कहलाता है, ठीक है। तो चले हम देखेंगे इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के लिए क्या आवश्यक है, आप देखेंगे पूरा मैं जितना टॉपिक बता रहा हूँ नोट करते चलेंगे। इंटरनेट के लिए क्या आवश्यक है, टीसीपी, टीसीपी बाई आईपी। अब आपको मालूम होगा फुल फॉर्म होता क्या है, तो ये टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो देखेंगे ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इंटरनेट में ही इसका उपयोग होता है, याद रखना। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल, जबकि आईपी का मतलब होता है इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, एक बार अगर डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। टीसीपी बाई आईपी एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी का ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक। अब फादर ऑफ टीसीपी बी आईपी, यानी कि फादर ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का जनक, पिता किसे कहा जाता है, तो यहां पर नोट कीजिएगा, इंटरनेट फादर, FATHER, फादर ऑफ इंटरनेट, ठीक, फादर ऑफ इंटरनेट यानी कि इंटरनेट के जनक यानी कि पिता किसे कहा गया है, तो विंट सर्फ, किसे कहा गया है, विंट सर्फ को, विंट सर्फ, याद रखना विंट सर्फ को कहा गया है, ठीक है। अब फादर ऑफ टीसीपी बाई आईपी पूछ लिया जाए, अब याद यहां रखना टीसीपी बाई आईपी आपको क्या बताया, ये नेटवर्कों का नेटवर्क का जाल, ये टीसीपी बाई आईपी किससे संबंधित है, इंटरनेट से, ठीक है। तो यही इंटरनेट यानी कि ये किससे संबंधित है, अगर पूछ लिया जाए कि टीसीपी बाई आईपी, ठीक, टीसीपी बाई आईपी का फादर ऑफ किसे कहा जाता है, ये भी आपका सेम रहेगा, विंट सर, ठीक, क्लियर समझ में आया। नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क याद रखना दो या दो से अधिक कंप्यूटर को, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना आपका इंटरनेट कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से समझिएगा, इंटरनेट क्या है,
तो इंटरनेट क्या है, दो या दो से, ठीक है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर, है ना, दो या दो से अधिक कंप्यूटर, ठीक, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, आपस में क्या करोगे, आपस में जोड़ना, ठीक है, आपस में जोड़ना आपका इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। देखिए अब मैं बताऊंगा, यह सिग्नल को रास्ता दिखाता है, क्या करता है, रास्ता दिखाता है रॉड्स, जबकि हब, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं हब, हब क्या है, तो हब याद रखना, हब है सभी डिवाइस से जुड़कर सारे नेटवर्क को तो कंट्रोल करता है, सभी सारे डिवाइस, जितने भी डिवाइस है कंप्यूटर का, जितने भी सारे डिवाइस हैं, ठीक है, जितने भी सारे डिवाइस हैं वो कंप्यूटर का क्या करता है, मैनेज करता है, क्या करता है, उसको मैनेज करता है, नेटवर्क को, ठीक है, नेटवर्क को मैनेज करता है, डिवाइस से जुड़ा रहता है, कंट्रोल करता है, यही आपका हब है, ठीक है। अब स्विच, स्विच डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है स्विच क्या है, ये आपका स्विच, स्विच क्या है आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, तो स्विच क्या है, पैकेट प्रोवाइड कराता है, पैकेट को क्या कराता है, प्रोवाइड, पैकेट, पैकेट को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है, प्रोवाइड कराता है, आपका स्विच है। तो इंटरनेट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट का टॉपिक में, ठीक है, इंटरनेट से और सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लासेस है, अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, यूट्यूब चैनल का नाम है यूट्यूब, अब जाइएगा गूगल में सर्च कर दीजिएगा, चाहे क्रोम में सर्च कर दीजिएगा, चाहे यूट्यूब कहीं भी जाके सर्च करना इस नाम को, ठीक है, ये आपका इस नाम को सर्च करेंगे मैथ्स एजुकेशन, ठीक है, मैथ्स एजुकेशन बाई रुपेश, इस नाम से सर्च करेंगे आपका, ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके बताएंगे, ये आपका यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है, तो मैथ्स एजुकेशन बाई रुपेश सर, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।